नमस्कार दोस्तों, आज 7 सितंबर है और आज के द हिंदू में कुछ विशेष पढ़ना है। विशेष इसलिए कि बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना है वो आई हैं और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई समझौते हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और बांग्लादेश किसी औपनिवेशिक शासन से आजाद नहीं हुआ था। बांग्लादेश आजाद हुआ था भारत से अलग हुए पाकिस्तान से। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी चरमपंथियों द्वारा, है ना, और इन्हें भी दिल्ली में रह के एक छद्म नाम लेके अपनी जान बचानी पड़ी थी। इनके पति को इसरो में नौकरी दी गई थी। इनके संरक्षक किसे बनाया गया था आप लोग गैस कर सकते हैं, यदि आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने बड़ी बेटी मानते थे और आज भी भारत से इनका रिश्ता घर जैसा है या मायके जैसा है। तो शेख हसीना जब प्रधानमंत्री हैं वहां पे लगभग 15 साल होने को है तो रिश्ते हमारे अच्छे हैं। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि पड़ोसी हैं, हमने आजादी दिलाई तो हमारे साथ ये आंख क्यों दिखा रहे हैं। देखो क्या है ना कि कोई भी देश यदि वो संप्रभु है तो उसे अपने हितों की रक्षा करनी होती है और अपने लोगों के लिए वो कार्य करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं इसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इस पे थोड़ा रिसर्च करिएगा और उसके बाद उसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले राजनीतिक कूटनीति राष्ट्र रिश्ते तो है ही, दूसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो है पानी के बंटवारे का। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को आपस में साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ कितने करते हैं कमेंट में बताएंगे आप, चीन के साथ हम कितने साझा करते हैं ये भी कमेंट में, नेपाल के साथ कितने साझा करते हैं ये भी कमेंट में बताएंगे आप। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 रिवर्स को हम साझा करते हैं और उनमें से 53 जो नदियां हैं, 53 जो नदियां हैं उनका प्रवाह भारत से बांग्लादेश की ओर है, सिर्फ एक नदी का बांग्लादेश से भारत की ओर है। खैर उसमें नहीं जाना है कौन सी नदी का प्रवाह है। मुख्य नदियां जिन पर विवाद होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मेघना, इस तरीके की नदियां हैं, ठीक है। तो ये एक पहला है। दूसरा, जो हमारे सीमा जो लगते हैं कई जगह खुली हुई हैं, भारत कई बार आरोप लगाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, है ना, और इन्हें मार के मतलब मार दिया जाता है कई बार सीमा सुरक्षा बल द्वारा, SSB द्वारा। तो इस पर भी बांग्लादेश चिंतित रहता है, उस पर भी सवाल उठाता है कि गिरफ्तार कर लो आप, सूटेड साइट नहीं करा करो, है ना, तो इस तरीके के मुद्दे भी उठाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पर्यावरण पे हमारा समझौता है। अब आप कहोगे पर्यावरण पे किस तरीके का समझौता, भारत और बांग्लादेश विश्व के सबसे बड़े जमीन से लगे डेल्टा का या सबसे बड़े डेल्टा का को साझा करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व विरासत स्थल भी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और अभी क्लाइमेट चेंज के कारण ये खतरे में है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से मैंग्रोव या सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के लिए कितने जरूरी हैं या कितने आवश्यक हैं इस पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है, एक टिप्पणी लिखिए और कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये कुछ समझौते हुए हैं उनको आप देख सकते हैं इसमें से, और 54 कॉमन रिवर्स हैं यहाँ पे बात की गई, 4000 किलोमीटर बॉर्डर है इसके बारे में बात की गई है, थोड़ा सा आगे से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर हो। गंगा नदी पर कब से समझौता हुआ था और कब ये ख़त्म हो रहा है इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लें।
ठीक है। इसके बाद है एससी आस्क सेंटर स्टेट टू अलाई ईडब्ल्यूएस कोटा कंसर्न। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है ये आपको पता होगा कि यह कोटा वैसे लोगों के लिए होता है जो कहीं भी आरक्षण नहीं पाते हैं, उन्हें 10% का आरक्षण आर्थिक रूप से अधिक कमजोर है तो मिलता है। इसी पर संवैधानिक पीठ, संवैधानिक 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी हुई है और इस पर सवाल या बहस चल रहा है। ईडब्ल्यूएस को मान्यता दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, इसके कंसर्न क्या है, इसके चुनौतियां क्या है, इसके लिए क्या मतलब सोचना पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप इसे पढ़िए, अभी हम इस पे और निर्णय आता है तो आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पे है, पेज नंबर 6 पे है इंडिया 7% प्लस एनुअल ग्रोथ एंड द रियलिटीज, है ना। भारत का जो 7% से प्लस जो वार्षिक वृद्धि है और जो रियलिटी है वो इस पे बात की गई है। इसमें आप एक कॉमन शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं या एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अमीर देश और गरीब लोग। अमीर देश और गरीब लोग इसलिए बोल रहे हैं हम कि देश तो अमीर होता जा रहा है, हमारे यहाँ अडानी विश्व के 3rd नंबर के अमीर बन गए, पर जो लोग हैं आज भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। उसी पे या इसी पे बात की गई कि ग्रोथ तो इतना है लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है। इसके बाद द चिलियन रेफरेंडम फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रेफरेंडम जना वो क्या बोलते हैं, आम मत होता है जो कि लोगों के बीच रेफरेंडम कराया जाता है, आम लोगों के विचार लिए जाते हैं, आम लोगों से मतलब दान कराया जाता है। तो चिली में नए संविधान के लिए रेफरेंडम कराया जा रहा है, तो उस पर क्या बदलाव किए जाने चाहिए या क्या किस प्रकार का बदलाव होगा, इसी पर डिबेट की गई है। मैंने सिर्फ इसको इसलिए लिया है, मुझे वहां से मतलब नहीं है, मैं यहाँ यह सोचता हूँ क्या भारत में अति जनता चाहे तो नया संविधान बना सकती है, इसके बारे में पढ़िए। क्या पूरे संविधान को बदल पाना संभव है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, 100 शब्दों की टिप्पणी लिख सकते हैं। क्या भारत में संविधान बदला जा सकता है, इसके बारे में 100 शब्दों में टिप्पणी कर सकते हैं। इसके बाद है ग्लोबल चैलेंजेस वांट डेंट इंडिया रिकवरी से मोदीज। मोदी प्राइस वाटर हाउस ऊपर इस तरीके के नाम बहुत सुने होंगे, ये रेटिंग एजेंसी है और इनका काम है कि ये जो देशों को रेटिंग देती है, रेटिंग क्यों देती है, रेटिंग इसलिए देती है कि ताकि एफडीआई का निवेश या कोई भी निवेशक निवेश कर सके और उसे यह लगे कि यहाँ पे निवेश करना सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में वो रेटिंग देती है। भारत के बारे में उसने कहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो वैश्विक अभी चुनौतियां हैं वो भारत के रिकवरी रेट को कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी के बारे में ये बात की गई है और क्यों नहीं कर पाएंगी, सबसे बड़ा एक कारण तो ये है कि जो हमारा मार्केट कैप है, मार्केट बहुत बड़ा है हमारे पास, है ना, इसके कारण से भारत को चुनौतियां उत्पन्न नहीं होती है या उस पर जो इंडिया की रिकवरी है उस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक बात कहनी थी आप लोगों से, आप लोग रेगुलर सुना कीजिए, यदि आप यूपीएससी के गंभीर अभ्यर्थी हैं तो रेगुलर सुनने का अर्थ है रेगुलर सुनिए, उस पर नोट बनाइए, टिप्पणी कीजिए और क्या चाहिए, क्या सुनना है, सुनने से मतलब नहीं है और क्या किया जा सकता है आपके लिए, ये आप टिप्पणी में मुझे कह सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।